नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल तो नहीं कहेंगे, ये हमारे पेन ड्राइव है। हम पेन ड्राइव बना रहे हैं टैबलू एंड पावर बीआई की। तो हमारे टैबलू वाले सीरीज में आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से मैं टैबलू को डाउनलोड करता हूँ, किस तरीके से अपने सिस्टम में इंस्टॉल करता हूँ, उसकी आपका स्टूडेंट वर्जन या फिर उसकी जो की है हमें कैसे मिलती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसा है, इन सबों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर टैबलू के जरिए हम करेंगे तो करेंगे क्या। मान लीजिए हमने टैबलू हमारे पास है, उससे हम क्या किस तरह की रिपोर्ट बनाएंगे, उसकी एक रिपोर्ट ओवरव्यू मैं देने जा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि मैं इस तरह से चीजें करता हूँ। इस तरह की चीजें टैबलू पे की जा सकती है। आई होप आप लोगों ने टैबलू का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया होगा। तो हम चलते हैं टैबलू के ऊपर। ये जब फर्स्ट टाइम हम टैबलू ओपन करते हैं तो ये आपका विंडो आता है। यहाँ पे सैम्पल वर्कबुक मतलब कि प्री डिफाइंड वर्जन, प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स बने बनाए जो सैम्पल टैम्पलेट के तौर पर यहाँ दिए गए हैं ताकि आप देख सकें किस तरह की रिपोर्ट बनता है इसमें। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आपको रिसेंट जो आपने क्रिएट किया, रिसेंट जो आपने ओपन किया है, वो वर्कबुक आपको दिखेगा। डिस्कवर में यहाँ आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, स्टार्टेड कनेक्ट डेटा वीडियो विजुलाइजेशन एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग टैबलू वगैरह वगैरह मोर वीडियोज आपको जो टैबलू की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं वो आप देख सकते हैं अगर समझ सके तो, नहीं तो मेरी वीडियो देखिए, अगर मेरी वीडियो समझ में आती है आपको तो। यहाँ पे डेटा कनेक्टिविटीज है, यहाँ पे सर्वर्स है। जैसे हमने बताया था कि टैबलू जो है दो तरह से काम करता है, एक टैबलू डेस्कटॉप, दूसरा एक टैबलू सर्वर। तो हम टैबलू डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं और टैबलू डेस्कटॉप पे हम बात कर रहे हैं कि डेटा को कैसे लाएंगे। पहले तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करते हैं, जनरली हम एक्सेल से डेटा को ही कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अपने लोकेशन पे जहां पे हमारा डेटा सेव है। तो न्यू फोल्डर में हमारा मान लीजिए कि एम डेटा है, इसी को हमने लेके ओपन कर दिया। वो थोड़ा सा टाइम ये कंज्यूम करेगा। अब जैसे ही डेटा ओपन होगा आपके सामने डेटा का पूरा पाथ आ जाएगा। अब डेटा इसमें हैश लगा, इसका मतलब कि नंबर्स है, एबीसीडी आपका टेक्स्ट है, ये डेटा आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पे गो टू शीट। अब क्या है कि पावर बीआई पे हम डायरेक्ट डैशबोर्ड बना देते हैं, बट यहाँ पे पहले शीट क्रिएट करेंगे और फिर हम यहाँ पे डेटा क्रिएट करेंगे। और आपके जो डेटा के अंदर जो नंबर वाले फील्ड है और जो आपके टेक्स्ट वाले फील्ड है वो ऑटोमेटिकली अलग अलग आपके हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात हम नेम वाले फीचर में आते हैं कि मुझे नेम वाइज प्रोडक्ट वन का टोटल चाहिए। तो मैंने नेम को उठा के बीच में रख दीजिए, चाहे रो एंड कॉलम में भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेम को उठाया और मैंने रख दिया कॉलम में। चाहे एक काम और कर सकते हैं कि आप इसको कंट्रोल से सेलेक्ट कर लीजिए या शिफ्ट कंट्रोल से। उसके बाद यहाँ शोमी मिलेगा, शोमी में यहाँ आप चूज कीजिएगा आपको क्या बनाना है। जैसे कि मुझे बनाना है तो ये देखिए यहाँ पे आपका चार्ट, ये देखिए चार्ट बन गया। यहाँ पे मुझे इसकी विजुलाइजेशन चेंज करनी है, मुझे ए बनाना है तो आपके सामने ए दिख जाएगा। ये आपका एक सीट, आपका एक डेटा आ गया। आप सीट वन के जगह पे कर दीजिए, यहां लीजिए कि सेल्स सेल्स प्रोडक्ट वन एंड ओके कर दीजिए। और भी कुछ करना है तो कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि एक चार्ट के ऊपर आप एक ही तरह का डेटा यूज कर सकते हो, इसे ज्यादा। फिर यहां पे हम दूसरी सीट यहां पे करते हैं। अब यहां पे मैं नेम वाइज नेम को हम ड्रैग करके भी रख सकते हैं, लेकिन वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए ड्रैग नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करना होगा इसको सेलेक्ट करके और फिर यहाँ से मुझे जो विजुलाइजेशन चाहिए वो विजुलाइजेशन लेना होगा। लेकिन प्रोडक्ट टू नहीं चाहिए, हमारा प्रोडक्ट वन चाहिए। तो यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ से हम इसको प्रोडक्ट टू को यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ नहीं रखा रहा है तो हम इसके बीच में भी रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है इसमें जो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे विजुलाइजेशन पे क्लिक किया, हमारे सामने दिख गया। अब यहाँ पे ऐसे ही मैं नेम रखता हूँ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट थ्री को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने
भी ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ। इसको लेने के बाद यहाँ पे देखिए स्विच होता है, तो हमने स्विच कर दिया तो ये इस तरह से कॉलम वाइज आ गया। उसके बाद वापस हम यहाँ पे मेन एंड प्रोडक्ट फोर हो गया, फाइव फाइव में हम ट्री मैप ले लेते हैं। अब वापस यहाँ पे हम देखें सेकेंड क्या है, डैशबोर्ड। हम डैशबोर्ड को क्रिएट करते हैं और सीट को उठा उठा के हमें रखना है इस तरह से। इस तरह से इसको पिक करते चले जाइए और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट पाइप का है तो इसको हटा सकते हो या फिर इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो हेडिंग है आप यहां से भी इसको चेंज कर सकते हो कि भाई सेल्स और यहाँ भी आपका सेल्स। इससे पहले आप यहाँ पे हेडिंग वगैरह भी दे सकते थे लेकिन मैंने दिया नहीं क्योंकि ये बस इंट्रोडक्शन है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो सारी चीजें बताएंगे। और यहाँ भी हमारा प्रोडक्ट डैशबोर्ड है, लेआउट कैसा होना चाहिए। यहाँ पे फ्लोटिंग आपको दिख रहा है कि फ्लोटिंग होना चाहिए, शो टाइटल, टाइटल शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अगर टाइटल भी अगर शो नहीं करना चाहते हो तो भी आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हो। आउटलाइन हीडर जो इस साइड में जिसमें कैंसिल किया था ना, तो वो था कोई किधर होना चाहिए ये आपको बताता है। रिपोर्ट की बॉर्डर होनी चाहिए, उसका पोजिशन क्या होना चाहिए, जो भी सिलेक्टेड है सिलेक्टेड का यहाँ पे दिखाता है। अब पूरा सिलेक्ट करेंगे तो पूरा का आपको यहाँ पे दिखाएगा लेआउट में। यहाँ पे टाइटल, अब टाइटल है ही नहीं तो बना शो टाइटल पे क्लिक करेंगे। इससे पहले स्टार्टिंग में करना चाहिए था शो टाइटल से पहले। अब मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से इसको नीचे ड्रैग कर सकता हूँ। जैसे दो तीन डैशबोर्ड को इस तरह से हम रख सकते हैं। तो एक डैशबोर्ड हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरा डैशबोर्ड क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दूसरा डैशबोर्ड भी बना सकता हूँ। डैशबोर्ड की साइज क्या होनी चाहिए, साइज इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि मेरी साइज क्या होनी चाहिए। तो 1368x768 करेंगे थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो ये हमारा हमारा डैशबोर्ड हमारा तैयार डैशबोर्ड तैयार हो चुका है। अब इस डैशबोर्ड को पब्लिश करना आपको, तो फाइल में आइए यहाँ पे पेंट पीडीएफ, इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं जैसे कि हमने पावर बीआई को भी किया था, या फिर इसको शेयर कर सकते हैं यहाँ पे आप। अब शेयर करने के लिए आपको टैबलो की जो ऑनलाइन टैबलो का जो डेटा है वो आपके पास होना चाहिए। इस सर्वर को डेटा सेंड कर रहा है। अब यहां पे टैबलो पब्लिक पे साइन इन करने के लिए बोल रहा है, तो आपके पास अगर टैबलो पब्लिक की आईडी है तो उससे साइन इन कर सकते हैं। मैंने यहां पे दे दिया सरिस्ट जैसे कि मैंने बोला मैं स्टूडेंट वर्जन ले रखा हूँ मेरे वाइफ के नाम से, मैं लास्ट वीडियो में समझाया था, तो यहाँ भी वे करता हूँ मैं। लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि टैबलो पब्लिक पे हमने आईडी बनाई है कि नहीं बनाई है। हाँ टैबलो पब्लिक पे आईडी बनी हुई है, तो टैबलो पब्लिक पे शेयर हो गया है मेरा। अच्छा ये बोल रहा है डेटा मोड में, यहाँ पे आपको डेटा में ट्रैक करना होगा। यहाँ से डेटा को ट्रैक किया जा सकता है या फिर आप यहाँ से पब्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि एक्सपोर्ट एज ए वर्जन, अलग अलग वर्जन में आप शो कर सकते हैं। और यहाँ पे डैशबोर्ड्स की भी सारी चीज़ें हैं। हाँ पब्लिश वर्कबुक हम करेंगे तो हमारी जो हो क्यों रहा है
मैं टैबलू पब्लिक ओपन कर लिया, आई थिंक वो प्रॉब्लम है कि मैं टैबलू पब्लिक ओपन कर लिया हुआ है। तो सर पहले आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा यहाँ पे पब्लिक फॉर्मेट में, तो यहाँ डेटा में आपको जाना होगा एक्सट्रैक्ट, और यहाँ पे आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट डेटा कीजिए और फिर इसको एक्सट्रैक्ट और यहाँ पे आपका सेव करना होता है, ठीक है। सेव करने के मांगेगा तो सेव कर दीजिएगा, उसके बाद आप सर्वर पे जाइए और इसको पब्लिश वर्कबुक कर दीजिए। तो ये आपका पब्लिश करते समय आपसे नाम पूछेगा, आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए कि डैश बोर्ड और इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद ये डेटा ऑनलाइन जो है सेव हो जाता है, उसके बाद इसको ऑनलाइन जो सर्वर है उसको आप एडिट करके रिपोर्ट को देख सकते हैं। आप टैबलू पे जाके अब इसको देख सकते हैं। मैं टैबलू का खुल रहा हूँ, मैं टैबलू लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ, डेटा सेव हो गया। अब टैबलू पब्लिक पे जाइएगा तो ये डेटा देखिए वहाँ पे हमारा डैशबोर्ड नाम का डेटा आ गया ना सर, ये अब इसको मैं व्यू कर सकता हूँ, डेटा यहाँ से व्यू कर सकता हूँ, डाउनलोड भी कर सकता हूँ और इसको मैं यहाँ पे शेयर भी कर सकता हूँ। अब शेयर करने के लिए आपका एम्बेड कोड से किसी वेबसाइट वगैरह पे करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे कर सकते हैं, या फिर इसको ये लिंक किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं, लिंक जिसको भी फॉरवर्ड करेगा। जैसे मान लीजिए लिंक फॉरवर्ड किया और मैं दूसरे किसी ब्राउजर पे था लॉगिन है, दूसरे किसी ब्राउजर पे देखिए हमारा खुल के आ गया हुआ है। तो आप जो है इस तरह से रिपोर्ट्स को हम लोग यूज करते हैं। अभी तो हमने जस्ट सिंपल बताया क्योंकि आपका पहला स्टेप है, अभी आपने टैबलू सीखा नहीं है, तो हम आगे अब अगली वीडियो से हम आपको टैबलू की एबीसीडी स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारी पेन ड्राइव बन रही है पेन ड्राइव, और अगर आप चाहते हैं कि इसके डेली डेज के वीडियोज आपको मिलते रहें तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके इसको बाय कर सकते हैं, या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं, आप इसको बाय कर लीजिए। डेली बेसिस पे इसके अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको, और जब ये पेन ड्राइव पूरी तरह से क्रिएट हो जाएगी तो फिर आपको पेन ड्राइव के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।